आगामी बजट की तैयारियों को लेकर महापौर ने जोन 2 के पार्षदों के साथ मैराथन बैठक कर विकास कार्यों के साथ आय के स्रोत बढ़ाने पर चर्चा की। वहीं पार्षदों की समस्याओं को एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश। नगरपालिका निगम डाटा सेंटर में महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम आयुक्त हरीश मंडावी और अन्य लोगों की उपस्थिति में आवश्यक बैठक ली। बैठक में महापौर ने चारों विभागों के कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही पार्षदों से सुझाव से जुड़े सुझावों पर अधिकारियों को समय रहते कार्यों की प्रस्ताव तैयार कर बजट में शामिल करने के निर्देश दिए। महापौर धीरज बाकलीवाल ने जोन 2 के पार्षदों और अफसरों की समीक्षा बैठक वार्ड वार्ड से पार्षद से चर्चा करते हुए शहर के वार्डों की समस्याओं की जानकारियों को सुना। वहीं अधिकारियों को पार्षदों से मिले सुझाव के आधार पर समय रहते विषयों को तैयार कर लेने के लिए निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि बजट से पहले इसी तरह शहर के सभी जोन के पार्षदों के साथ बैठक ली जाएगी। इससे इसी तरह सभी वार्डों के कार्यों की समीक्षा कर बजट के लिए सुझाव भी लिया जाएगा। इस क्रम में जोन 2 की बैठक में जोन 2 में आने वाले वार्ड 9 से 12 और 23 से 28 के पार्षदों के साथ बैठक ली गई। इस संबंध में महापौर व पार्षदों ने बैठक की तारीफ कर अपनी प्रतिक्रिया दी। और क्या सुझाव मांगे गए आपसे? आज महापौर जी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जो काम उनको 2 साल पहले करना था आज उन्होंने किया। फिर भी धन्यवाद महापौर जी का, उन्होंने कम से कम पार्षदों की सुध तो ली। अब सामने बजट है, इस वजह से लिए है, क्या किया है। मैं तो महापौर जी को ये बोलना चाहूँगा कि जो आज हमारी समस्याएं सुनी है, जिसकी समीक्षा बैठक रखी है, अब उस काम की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, काम धरातल पर दिखने चाहिए। ठीक, मैंने एक प्रस्ताव भी दिया है महापौर जी को, क्योंकि दादाबाड़ी वाला रोड बंद हो गया है, गुरुद्वारे से लेकर दादाबाड़ी तक कैनाल रोड बनाया जाए ताकि एक अप्रोच रोड शहर को मिले। प्रस्ताव भेजे थे, उसमें एक संगर नाले का प्रस्ताव था, एक कब्रवाल पेट्रोल पंप सुमित भवन तक संकर इरिगेशन का जो नाला है जहाँ से नहर खुलती है, उसका एक एस्टिमेट बनाकर मैंने दिया था। वो भी लगभग टेंडर डलने का है। वो कार्य पूरा होते ही जो मालवी सड़क से जो यात्री आते थे और जो आवागमन में जितनी भी परेशानियां होती थी आवागमन में, वो यात्री आने के कारण वो एक सुचारू रूप से हो जाएगा। और जितना भिलाई से ट्रैफिक आता था, उस सड़क बनने के बाद हमें काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। वो बहुत अच्छा एक प्रयास है मेरा कि मेरे टेंडर में सड़क डली है। और मेरे वार्ड में ऐसे बहुत सारे एस्टिमेट बने थे, वो भी अभी 2 साल कोरोना के थे, उसमें हम बहुत पीछे चले गए। काफ़ी निधि आनी है, महापौर ने कहा है अधिकारियों से प्रस्ताव बना के, वो भी काम पूरे होंगे। इन्हीं अपेक्षा के साथ जय हिंद। मेरा ये कहना है, आज समीक्षा बैठक में हम सभी पार्षदों का जोन 2 का बैठक था, इसमें महापौर आदरणीय महापौर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे यहाँ शंकर नाले का जो कार्य किया गया, उसमें मैं उनकी पूरी टीम को, महापौर जी को, विधायक जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, पार्षद और अधिकारी और हमारे जो परिषद है, महापौर की परिषद, सबका तालमेल एक संग हो, शहर का विकास हो और हम बढ़िया, इस पार्षद जो हम हैं उसमें बढ़िया तरीके से काम हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मेरे वार्ड में भी काम चल रहे हैं और हर वार्ड को महापौर जी ने एक तरीके से देखा है। फिर एक बार फिर महापौर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज जो बैठक हुई, उसमें महापौर जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही और बहुत बहुत हमको संतावना दिया गया कि आगे भी कार्य होते रहेंगे। और हमें सभी पार्षदों को ये अपेक्षा है कि शहर का विकास हो, सब भेदभाव छोड़ के शहर का विकास हो और एक अच्छा प्रयास है ये। हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आगामी बजट सेशन को देखते हुए दुर्ग नगर निगम को हम लोगों ने 7 जोन में बांटा है। 7 जोन के सभी जो पार्षद हैं, लगभग 9 से 10 पार्षद उसमें आते हैं। जैसे कल हमने 1 से 8, 13 और 56 जो नई की बैठक ली थी, आज 2 में हम लोग 9 से 12 और 23 से 28 की हमने बैठक रखी और बहुत ही सार्थक बैठक हो रही है। अलग अलग पार्षदों के माध्यम से हमको वार्ड संबंधित जो बहुत ही आवश्यक कार्य है, मूलभूत कार्य,
जो किसी कारण से छूट जाते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको तत्काल प्रभाव से, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे लाइट की हो, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, उसको लेके और जो निर्माण कार्य को लेके हम लोग वार्ड के पार्षदों से उनके वार्ड के प्रमुख कार्यों की सूची ले रहे हैं, उसका एस्टिमेट बनवा रहे हैं और वार्ड इंजीनियरों को हमने निर्देशित भी किया है कि सभी 60 वार्डों की फाइल तैयार की जाए, ताकि बार बार हम लोगों को एस्टिमेट ना बनाना पड़े। जैसे जैसे राशि शासन से स्वीकृत आएगी, हम एक एक कार्य को उसको कराते जाएंगे। इस बैठक में प्रमुख रूप से आयुक्त महोदय रहते हैं, हमारे वे जो सभी प्रमुख विभाग के प्रभारी संजय कोले जी, अब्दुल गनी जी, दीपक साहू जी, हामिद खोखर जी, भोला मौर्या जी, सब रहते हैं। और कोशिश है कि शहर को बेहतर से बेहतर बनाएं, हम सबको मिल के यही प्रयास है कि शहर के जो आंतरिक सड़कें हैं और नालियां हैं उसको बेहतर करने के लिए हम लोगों का सबका प्रयास है। क्योंकि अभी जैसे प्रमुख रोडें हमारी सभी निर्माण कार्य चालू है, जैसे नेहरू नगर से मिनी माता गौरव पथ रोड बनेगी, श्रीनाथ नदी मुक्तिधाम रोड बनेगी, अब आंतरिक रोड और नालियाँ हैं और जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति आती है उसको रोकना हमारा पहला फोकस है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।